और कौन आते हैं जो रिलेटिव पावर्टी में जो कौन कौन लोग आते हैं द सोसाइटी इन डेवलप कंट्री हैव डिफरेंट क्लासेस दिस इज़ अ वाइड डिस्पैरिटी इन द इनकम ऑफ दिस क्लासेस देयर आर फैमिलीज हु इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग इज़ इनफेरियर दैन द फैमिलीज ऑफ वेल ऑफ क्लासेज अब इस समाज के अंदर देखा जाए तो ज़्यादातर जो रिलेटिव पावर्टी होती है वो जो विकसित जो पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे देखने को मिलता है रिलेटिव पावर्टी के तहत अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे रिच क्लास भी मिलती है मिडिल क्लास भी मिलती है और पुअर क्लास भी मिलती है और लेकिन इनके इनकम में जो बहुत ज़्यादा फर्क होता है और उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रहता है वो उनकी सैलरी के हिसाब से रहता है अब ऐसी फैमिली जो सबसे गरीब हैं ठीक है जो देखा जाए तीसरे नंबर पे आती है जो रिच से भी अगर देखा जाए जो मिडिल क्लास से भी नीचे आती हैं उनको हम लोग रिलेटिव पावर्टी में कंसीडर करते हैं दिस सिचुएशन ऑफ कंपेरेटिव रिचनेस इज डिस्क्राइब एज रिलेटिव पावर्टी जब यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनका कंपैरिजन हम लोग दूसरे ऊंचे क्लासेस से करते हैं और वो कंपैरिजन के टाइम पे हम लोग जिस परिवार को हम लोग गरीब पाते हैं सबसे नीचे स्तर पर पाते हैं ऐसे लोगों को हम रिलेटिव पुअर मानते हैं नाउ अब हम समझेंगे अपसोल्युट पावर्टी या अप्सोलुट पुअर दोज पर्सन इन द डेवलपिंग कंट्रीज हु आर अनएबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज आर कॉल्ड अपसोल्युट पुअर एंड द कंडीशन इज नोन एज अपसोल्युटली पावर्टी अब यहाँ पे ऐसे लोग ये खासकर ऐसे जो कैटेगरीज हैं वो जो विकासशील देश हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं या ये डेवलप कंट्री में भी पाए जा सकते हैं बस ऐसे गरीब जो हैं जो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ जो आप कह सकते हैं फूड है एजुकेशन है क्लोदिंग है शेल्टर है एंड मेडिकल सर्विसेज है ये जो पाँच बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इनमें से किसी को भी वो अपनी पूरा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे तबके के जो लोग होते हैं जो परिवार होते हैं उनको ऑब्सोल्यूट पावर्टी में काउंट किया जाता है नाउ थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स इस चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सबको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और उन सभी क्वेश्चन आंसर्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आप वहाँ पर से जाके पर्टिकुलर uh, क्वेश्चन को जिस क्वेश्चन को भी आपको समझना है आंसर वो आप वहाँ पर जाके समझ सकते हैं थैंक यू वेरी मच